हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में हमको पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करना हो तो कैसे हम पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा, पेज लेआउट टैब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पेज को सेटअप करने के लिए। कि अगर जो कोई भी फाइल अगर जो एक्सेल हम बना दिए और उसको चाहते हैं प्रिंट करना किसी पेज पर, तो कैसे प्रिंट करते हैं। हाँ, अधिकांश ध्यान रखिए, कोई भी ऐसे फाइल होते हैं जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, पहले प्रिंट नहीं होते। और जो प्रिंट भी होगा तो बस आधा डेटा प्रिंट होगा, आधा डेटा प्रिंट नहीं होगा। कितना फाइल ओपन होगा? अच्छा, इसमें हम कई सारे डेटा बनाए होंगे ना अपने फाइल पे। इसमें से किसी एक फाइल को लेकर के और वही डेटा हम क्या करते हैं, प्रिंट करके ट्राई करते हैं। लगभग पिछली क्लास हम लोग यही बनाए थे ना, एसटी स्पेशल वाला डेटा हो जाएगा ना। अब चलिए इसी में कोई ऐसा डेटा देखते हैं जो जिसका डेटा थोड़ा सा बड़ा, ये वाला ले लेते हैं। क्यों? अटेंडेंस सीट वाला दिख रहा है ना। अब इसी पूरे सीट को हम यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके इसलिए बगल में कर दे रहे हैं ताकि ये वाला हमारा सीट जो है वो खराब ना हो। इसलिए एक नया सीट लिए और इस डेटा को हमें यहाँ पे रख के क्या कर लिए, आ गया है ना। अब कहा गया कि यही डेटा आपको प्रिंट करना है एक पेज पर, आ रहा समझ में ना। तो सबसे पहले आप फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद कहाँ जाएंगे, तो जैसे हम प्रिंट पे आएंगे देखिए आधा डेटा आ रहा है और आधा डेटा नहीं है, आ रहा समझ में ना। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले आप जब आएंगे यहाँ पे एक्सेल पे, तो आपको यहाँ पे एक लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा बीच में डॉट डॉट कर, दिख रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं पेज ब्रेकर। क्या बोलते हैं? पेज पेज ब्रेकर या प्रिंट प्रीव्यू यही दर्शाता है। यानी कि देखिए अटेंडेंस यानी कि ए डबल टी यानी कि बीच में लाइनिंग है ना। तो अगर जो हम प्रीव्यू चेक करें फाइल में, फिर क्या चेक कर ले रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक कर ले रहे हैं। तो वहीं तक बस डेटा आ रहा है ना, लाइनिंग के बाहर की डेटा नहीं आने दे रहा है ना। तो इस लाइन के अंदर जो भी एक पेज पे रहेगा वही एक पेज पर आएगा, नहीं तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो हम डेटा ऐसा करेंगे कि जो ये हमारा मार्क ये जो दिख रहा है पेज ब्रेकर, ये लास्ट में यहां तक चला है, आ रहा है समझ ना। तो इसके पहले देखिए सबसे पहले आप लोग चेंज करेंगे ओरिएंटेशन। क्या चेंज करेंगे? ओरिएंटेशन। चूंकि अगर हम लोग पेज को देखें तो पेज हमारा क्या है बाय डिफॉल्ट, अभी पेज कुछ इस प्रकार से है ना, ऐसे है। और डेटा ऐसे नीचे ज्यादा नहीं है, डेटा ऐसे ज्यादा है ना। तो हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करके अपने पेज को ऐसे कर देंगे, हो जाएगा ना। तो उसके लिए हमको कहाँ पे आना होगा, तो सबसे पहले हम आ गए किसमें, पेज लेआउट। हाँ, सबसे पहले देखिए दे रहा है थीम्स, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। थीम्स चेंज करना तो यहाँ से थीम्स चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज हो रहा है ना, हो रहा है चेंज, जैसे लेके जाएंगे वैसे स्टाइल चेंज होगा। कलर चेंज करना है तो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये कलर डायरेक्टली यहाँ इफेक्ट नहीं देता है, होम टैब के कलर पैनल पे देता है, ये आप लोग पढ़े, आ रहा है समझे ना। अभी लास्ट का ग्रीन और ये ब्लू ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये लेआउट पे गए कलर इसका चेंज कर, होम टैब में आ गए कलर चेक कर, कुछ अंतर दिख रहा है अब, चेंजिंग हुआ है ना। तो ये कलर अगर जो हम लोग यहाँ से चेंज करें डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ देगा, होम टैब पे पहले, और उसके जस्ट नीचे दिया फॉन्ट। यदि आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चेंज हो रहा फॉन्ट स्टाइल, दिख रहा है ना। तो जैसे फॉन्ट स्टाइल लेना आप वैसे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। उसके आगे आएंगे तो अगला आपको इफेक्ट दिखाई देगा, तो जो थीम्स आप यहाँ से लिए रहेंगे उसी कलर का आपको इफेक्ट यहां से दिखाई देगा, दिख रहा है। अगर जो हम यहाँ ले ले ये इस वाले कलर का, और अगर जो इफेक्ट में देखिए कलर चेंज हुआ है ना, अगर जो हम थीम्स में आके ये वाला ले लें तो अब देखिए कलर चेंज अलग हुआ है ना। इफेक्ट बस ये बताता है आपने किस टाइप का थीम्स लिया है, और इफेक्ट के आगे आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्या, तो
मार्जिन बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, नॉर्मल है ना। तो यहां पर देखिए जो पेज ब्रेकर जो लाइनिंग है वो एन के पास दिखाई दे रहा है ना, मार्जिन को हम नैरो कर ले, नैरो करते देखिए कहां तक चला गया, आगे बढ़ा है मार्जिन ना। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए, कुछ डेटा आगे तक आया, हाँ उसके बाद से अभी भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम ओरिएंटेशन पे आ जाएंगे और ओरिएंटेशन को क्या कर देंगे, लैंडस्केप। अब कहां तक चला गया देखिए, अटेंडेंस पूरा दिखाई दे, पूरा दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी इधर इस साइड डेटा आपका अभी इतना दिखाई नहीं दे, लगभग कितना रो और है, 3। अब इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट करिए। अब कितना बच गया, दो। इसको भी ऑटो फिट कर लीजिए, अभी भी लगभग कितना, 2 बचा हुआ है ना। प्रिंट पे आने के बाद से हम प्रीव्यू पे आ गए, सारा डेटा दिख रहा है, बस ये अब सेंड के बाद से एक और क्या है, लिव है, और लिव के बाद फिर क्या है, यानी कि बस ये 2 हमारा कॉलम अभी दिखाई नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको सही कर लेते हैं, ये यही तक बस रखना है, और जो बगल का डेटा है इसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अगर जो फाइल पे जाके प्रिंट करें तो डेटा कितना आ रहा है, एक सीट पर, और नेक्स्ट करने के बाद से आधा दूसरे सीट पर आ रहा है, यही हो रहा है ना। तो अब जब हम आएंगे आगे पेज लेआउट में, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, हाइट और विथ का, किसका, हाइट और विथ। या तो आप यहां से कर लीजिए, ऑटोमेटिक है बाय डिफॉल्ट, स्केल से ही बढ़ा सकते हैं, इसका साइज क्या कर दिया और छोटा कर दिया। अब देखिए स्केल जैसा हम 90 किए हैं, अब कौन सा लिब आ गया एक ना, स्केल थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 85% कर दिया, पूरा आ गया ओटी तक, फाइल और फाइल के बाद से अब एक पेज पे सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। लेकिन हाँ ये डेटा देखिए कुछ ऐसे हैज हैज करके दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा साइज का एडजस्ट कर लें, आगे चला जा रहा है ना, तो एक बार और थोड़ा सा और कम कर लेंगे, कुछ आगे चला गया है ना। फाइल पे आइए और फिर कहाँ पे, सारा डेटा आ गया है, अब कैसे एडजस्ट हो, समझ आ रहा है ना। हाँ अभी हम प्रिंट नहीं कर सकते, अगर पीडीएफ नहीं, प्रिंटर नहीं है तो क्या पीडीएफ में सेव कर सकते हैं ना, तो जैसे पीडीएफ में दिखाई देगा वैसे हमारे आउटपुट में भी दिखाई, कौन सा, ये वाला, हाँ ऐसा नहीं दिखाई देगा, जब पेज पे प्रिंट करेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग इसका स्केल जो अभी फिलहाल कम किए हैं ना दिखाने के लिए। अगर जब इसी को फाइल पे गए, प्रिंट पे आ गए, प्रिंट वाले बटन पे क्या कर दिए, तो पीडीएफ में सेव हो जाएगा ना, क्लिक किए और लोकेशन दे दिए कहाँ पे, डेस्कटॉप, नाम दे दिए एक्सेल, यहां से क्या कर लिए। अब देखिए इसको सेव करने के बाद हम आ गए कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, एक्सेल यही है ना। लर्निंग दिख रहा है यहाँ पर, हो जाएगा ना। हाँ चूंकि दूसरा पेज भी लेकर के आया है, दूसरा पेज पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 10, वो इसे लेकर के आया, चूंकि देखिए इसके जस्ट नीचे कहीं दूसरे पेज पर 10 जरूर लिखा गया होगा, इस पेज पर 10 लिखा गया है ना, इसीलिए दूसरे पेज पर लेकर के आ रहा है। इतना समझ आ रहा है ना। तो पेज लेआउट में आने के बाद से अभी हमने आपको सिर्फ बताया क्या, मार्जिन और ओरिएंटेशन, साइज तो आप लोग जानते ही कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको A5 पे करना, पेज का साइज छोटा रखना है A5, मीडियम रखना है तो A4, बड़ा रखना है तो A3, उससे बड़ा रखना है तो हम लीगल या फिर इस पे आ जाएंगे, या अपने हिसाब से मोर पेपर साइज में आ जाइए और आप अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट में ये कर लीजिए, हो जाएगा ना। मार्जिन यहाँ सेट कर लीजिए जितना मार्जिन चाहिए होगा, हो जाएगा ना। यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आप चेंज भी कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम फाइल पे आके कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑन किया तो नीचे आ गया डेटा, और ना हाँ बैक जा करके चले जाएंगे कि किस में,
मोर पेपर में, और इसमें आने के बाद से मार्जिन में इसको ऑफ कर देंगे। ओके, अब कहां पे आ जाएंगे? अब डेटा सही दिख रहा है ना? तो ऐसे मुझे डेटा प्रिंट करना एक्सेल का तो कर ले जाएंगे ना, समझे ना? और आपको लग रहा है कि हमारा प्रिंटर A4 साइज प्रिंट कर रहा है, तो जो भी आप पेज यहाँ पे बनाएंगे वो A4 साइज में ही सेलेक्ट करके बनाएंगे। आ रहा, समझे ना? अब ऐसा नहीं कि प्रिंटर निकालेगा A4 साइज और हम यहाँ पे बना दिए A5 साइज। आ रहा, समझे ना? तो बस ये यहां से हम लोग करने से कुछ नहीं होगा। प्रिंटर, अब जिस प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है उसका साइज क्या ले रहा है, अरे समझे ना? या जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे डिमांड किस चीज का है कि आपको किस साइज पे प्रिंट करना है। जिस साइज से प्रिंट करना होगा बस वही साइज आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम साइज यहाँ से आपको बताए हैं। हो जाएगा ना? जिसमें देखिए, अगर जो A5 कर देंगे तो A4 से भी छोटा A5 हो जाए, A5 हो जाएगा। जैसे आप लोग छोटा सा हैंडबिल देखते हैं ना, प्रचार प्रसार के लिए छोटा सा हैंडबिल आता है ना, वो A5 साइज होता है। क्या होता है? A5। तो A5 सेलेक्ट कर लेंगे तो A5 पे देखिए ज्यादा डेटा नहीं आ पाएगा। बस कहाँ तक आएगा? प्रेजेंट तक आएगा, अब्सेंट, लिव, ये OTA नहीं आ पाएगा। आ रहा, समझे ना? अगर यही हम कर दें यहाँ से पेज साइज में जाकर के A4, तो जब हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं उसी साइज में प्रिंट होकर के आएगा। आ रहा, समझे ना? और इसको जब फाइल में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, देखिए लगभग ये इतना डेटा प्रिंट होकर के जगह भी बस जा रहा है। आ समझे ना? अगर यही अगर हम यहाँ से कर लें, कौन सा A5 कर लें, और A5 करने के बाद यदि अब हम आ जाए किस पे प्रिंट, तो पेज तो वैसे आपको छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, इससे बड़ा होता है, A4 से भी बड़ा होता है A3। क्या होता है? A3। तो अब अगर जो हम प्रिंट कर रहे हैं जिसका डेटा देखिए, पेज अब कितना बड़ा दिख रहा है, समझा रहा है ना? और डेटा कितना एरिया हमारा, ये समझा रहा है, हो जाएगा ना? हाँ, अगर जो अब हम इसको प्रिंट करें PDF में, तो इसको देखिएगा ये क्या आएगा, इसमें बहुत ज्यादा PDF हो गया है। तो हम दे देते हैं किसके अंदर, म्यूजिक के अंदर। किसके अंदर दे दिए, ये ना नाम से हम क्या कर लिए इससे। अब हम ये चले जाएंगे कहाँ पे, दिस PC, दिस PC के बाद से म्यूजिक, यानी यही है ना? ओपन कर लिए, देखिए पेज कितना बड़ा है, दिख रहा है ना? और डेटा कितना एरिया प्रिंट होकर के आया, हो जाएगा ना? इसीलिए प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना होता है, जो भी हम आपको बार बार प्रीव्यू चेक करके बता, फाइल पे जाके और कहाँ चले गए, तो प्रीव्यू तो दिख जा रहा है ना? प्रिंट करें जितना डेटा दिखाई देगा इतना छुटा हुआ रहेगा, हो जाएगा ना? अगर जो आपको लग रहा है कि ये ज्यादा जगह छोड़ रहा है, ये भी एडजस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए जो हम लोग स्केल 80 किए हैं ना, इसको बढ़ा लें। कितना कर ली? नहीं, अब हम आ गए फिर कहाँ पे, टोटल कवर कर लिए यहाँ पे, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, दो पेज इसीलिए जा रहा है, देखिए एक पे वही 10 वाला होगा। आ रहा, समझे ना? हाँ, 10 को डिलीट कर देंगे, नहीं आएगा, डिलीट कर दें यहाँ से। हाँ, अब दो पेज नहीं आएगा, फाइल पे जाइए, और फाइल पे आने कहाँ पे, प्रिंट, बस एक पेज। तो लगभग ये एक पेज के अगर जो बड़ा सा डेटा प्रिंट करना, तो इतना तक हो जाएगा ना? अब इसके आगे हमको समझना है प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल। तो बैकग्राउंड तो आप यही समझ सकते हैं, क्लिक करिए, कोई इमेज लगाना है आपको बैकग्राउंड के रूप में, तो जो अभी फिल हुआ है ना सब हट जाएगा, देखिए ये लगा दो, दिख रहा है बैकग्राउंड ग्रुप में लगा हुआ एक्सेल में ना? इतना एरिया नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, बैकग्राउंड कलर किए हैं, कलर नहीं रहे तो डेटा ऐसे लिखे रहिए, लेकिन नीचे आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, हाँ फुल दिखाई देने लगा ऐसे, कोई जब नहीं, फुल ही सिर्फ रहेगा, आपको जो मन करे वो लगाइए, हो जाएगा ना? और उसके बाद से जब आगे आएंगे, तो अभी हम लोग को समझना प्रिंट एरिया, ब्रेक और प्रिंट। तो ये समझने के लिए पता हम क्या करते हैं, एक डिफाइन नेम हम लोग पढ़े, यही एडवांस फिल्टर ले लेते कॉपी की, और किसी एक दूसरे सीट पर लाकर क्या कर लिए, ऊपर से पेस्ट, अच्छा थीम्स चेंज कर देते हैं, ये थीम्स बेहतर नहीं लग रहा है, ऑफिस वाला ही रहने देते हैं।
8 फीट का, 2010 तक है ना। अगर आपको बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिएगा, 2016 17 फिर 18 19 20 यहां तक ले, और इसी डेटा को आप इधर भी ड्रा कर लीजिए। हो गया है ना, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो बढ़ाया पॉइंट में आए, क्योंकि अभी इससे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वन और टू टाइप करते हैं ना, सेलेक्ट करके ड्रा करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होते हुए जाता है वन टू थ्री। अगर हम ऊपर क्या लिख दें, टू लिख दें, नीचे वन लिखें, तो फिर घटते हुए मल्टीप्लाई होते हुए आएगा, देखिए माइनस में चला जाएगा, दिख रहा है ना। तो वही जब इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही किस में आ जा रहा है, डेसिमल में आ जा रहा है। डेसिमल को हटा लीजिए, आप लोग पढ़े हैं डेसिमल हटाना ना, होम टैब में आके डिक्रीज डेसिमल कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही नंबर है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये, ऐसे कम हो रहा है, वही तो माइनस करते हुए इसको लेके आ जा रहा है ना। जैसे ये कम होता गया तो उसके नीचे माइनस में ही जाएगा। तो ये नंबर ड्रा करने से कोई मतलब नहीं, बस डेटा समझना है। इस प्रकार से डेटा बना लिए फाइल, और फिर कहाँ पे 2018 तक प्रिंट कर दे रहा है डेटा ना, लेकिन कहाँ तक है, तो सारा एडजस्ट कर, तभी आप लोग पढ़े हैं ना। अगर जहाँ इसी मोड में रखना है, तो आप पेज लेआउट में जाके स्केल को कम कर लीजिए, स्केल को क्या कर लीजिए कम। तो अब अगर हम फाइल पे जाकर के प्रिंट प्रीव्यू पे आए, तो उसी पे सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा 2021 तक ना। हाँ, लेकिन समझ लीजिएगा, स्केल को कम करने से क्या होता है, टेक्स्ट साइज छोटा हो जाता है, आया समझे ना। लेकिन ज्यादा छोटा करें तो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं, रहने देते हैं यहीं तक, 2019 तक ही डेटा रहने देते फाइल। और अब डेटा दिख रहा है ना 19 तक, लेकिन एक काम कहा गया, काम करिए ना, सिर्फ इतने ही लोग का डेटा प्रिंट करिए, किसका किसका, अशोक का, सैफ का, अजनबी का और नसीम, कितने लोग हो रहे हैं, चार लोग, बाकी और किसी का डेटा नहीं प्रिंट कर, आ रहा समझ में ना। या ये समझने के लिए हम सीरियल नंबर को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट कर लिए, और इसी को ड्रा करके ले चल के काफी नीचे थे, काम करने जाएंगे तो सैकड़ों संख्या में डाटा रहेगा ना, तो पूरे पेज को प्रिंट करना हो सकता है, ये बढ़ा के हम कर लेते हैं लगभग 2000, लगभग कहां तक कर लिए, 2007 तक डेटा कर लिए, यानी कि एक से लेकर के कहां तक, 2007, इतना लंबा डेटा है ना। फाइल पे गए, प्रिंट पे क्लिक कर दिए, देखिए पूरा पेज प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है ना, 39 पेज पूरा आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। लेकिन कंडीशन आपसे कहा, नहीं सबको नहीं प्रिंट करना है, बस शुरू से आपको 5 लोग का डेटा प्रिंट करना है, बाकी किसी का नहीं करना। उसके लिए जब पेज लेआउट में आएंगे, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा प्रिंट एरिया, क्या दिखाई देगा, प्रिंट एरिया, दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक सेट का और दूसरा क्लियर का। अभी सेट करेंगे तो सेट, और सेट है पहले से हटाना है तो क्लियर, तो अभी सेट करना है, जितना सेलेक्ट किया उतना ना, जितना कहा जाए उतना पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने वाले से प्रिंट एरिया, और यहां से क्या कर लेंगे सेट, जैसे सेट किए हैं तो बीच में इसकी एक लाइनिंग आपको अलग कलर की दिखाई दे रही थोड़ी बहुत, दिख रहा है ना। अब आप फाइल में जाइए, और फिर किस पे, सब डेटा प्रिंट हो रहा है, हमने जितना सेलेक्ट किया बस उतना ही हो रहा है ना, तो प्रिंट एरिया क्या, ये समझा रहा है ना, हम इसी कर दिए क्लियर प्रिंट एरिया। अब अगर जो प्रिंट करने जाए, तो देखिए सारा डेटा प्रिंट, कोई दिक्कत इसमें, तो प्रिंट एरिया क्या, ये समझा रहा है ना। हाँ, पेज ब्रेक बस वही, जैसे भी लाइनिंग ये दिख रहा है ना, तो वही लाइनिंग दर्शाता है कि आपका कहाँ से कहाँ तक एक पेज रहेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पेज है, दिख रहा है ना, नीचे अलग पेज हो जाएगा यहाँ से नीचे, ये कौन दर्शाता है, रिमूव कर देंगे, ऑल पेज ब्रेक कर देंगे, कहीं पेज ब्रेक नहीं रहेगा, ये बस प्रिंट प्रीव्यू वाला दिखाई देगा आपको, और कोई दिखाई नहीं देगा, हो जाएगा ना। यहां से जो हटाना था हम ब्रेक करके हटा दिए, हट गया है ना, लेकिन फिर भी अगर ये भी लाइनिंग दिखाई दे रहा और ये भी हटाना है, तो आप उसके लिए जिस सीट पे रहेंगे उसी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से व्यू,
और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले पेज ब्रेक, दिख रहा है ना, ये ट्रू हो गया है ना, ट्रू को क्या कर देंगे बस क्लोज कर दीजिए, ऊपर से लाइनिंग दिख रहा है कहीं बीच में, नहीं दिख रहा है ना, इंसर्ट कराना था आप यहीं से इंसर्ट करा लीजिए, हो गया इंसर्ट, हटाना था यहाँ से रिमूव कर लीजिए, हट गया तो ठीक, और नहीं हटा तो जिस सीट पर रहेंगे उसे क्या करेंगे, राइट क्लिक, व्यू कोड, और ये आपको दिखा देगा डिस्प्ले पेज ब्रेक, इसको क्या कर लेंगे, अगर जी ये भी नहीं दिखाई दे ऐसा क्लोज है तब क्या करें, आपको आना होगा कहाँ पे, व्यू में, और व्यू में आने के बाद से प्रॉपर्टीज आ गए यहाँ पे, फॉल्स करके और क्या कर लेना है क्लोज, बस सिंपल है, हो जाएगा ना। तो लगभग प्रिंट एरिया ब्रेक क्या बैकग्राउंड तो अभी बताए ही है, इतना तक हो जाएगा ना, और ये विथ और हाइट, और इसके लिए अभी बताया है यदि डेटा एक पेज पे नहीं आता इसके, या तो ऑटोमेटिक को वन पेज टू पेज कर देंगे, या तो फिर हम स्केल को क्या कर लेंगे कम कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब हम कुछ समझना है प्रिंट टाइटल, क्या समझना है, अगर जो हम डेटा ऐसे बनाए हैं तो क्या ऐसे बार बार हमको हेडिंग बनाना पड़ेगा, कि हम पहले पेज पे हेडिंग बना दिए हैं दूसरे पेज पर हेडिंग बनाएंगे यहां पर नहीं बन पाएगा ना, लेकिन वही अगर हम फाइल पे आकर प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए पहले वाले पेज पर हेडिंग दिख रहा है ना, नेक्स्ट पेज पे चले गए तो क्या हेडिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब कहीं आपसे ये कहा जाए कि डेटा प्रिंट करके पहला और दूसरा पेज इनको दे दिए, तीसरा चौथा इनको दे दीजिए, तो बस तीन और चार पेज प्रिंट किए तो पहले पेज पे हेडिंग है बाकी किसी पेज पे हेडिंग नहीं, तो डेटा वहां पे गलत हो जाएगा ना, चाहते पूरे पेज पर हमारा हेडिंग रहे, तब उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट टाइटल, उसके लिए प्रिंट टाइटल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पूछ रहा है रो टू रिपीट या फिर कॉलम रिपीट, कॉलम करी थी बगल वाला आ जाएगा, और अगर जो रो करेंगे तो हाँ ये ऊपर वाला रो आ जाए, आ रहा समझ में ना, हमको क्या चाहिए, रो ही चाहिए ना, क्या चाहिए रो, तो हम रो में रहेंगे कॉलम में, अगर जो कॉलम में रहेंगे तो ये सेलेक्ट होगा तब बार बार ये रिपीट आएगा पूरे पेज पर, और अगर जो हम इसको हटा के रो में आ जाएं तो रो पे क्लिक करें तो रो सेलेक्ट हो जाए, तो कौन सा रिपीट होगा, रो सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, इन हेडिंग सेलेक्ट कर लिए। अब हम फाइल पे गए और फिर कहाँ पे, पहले पेज का डेटा है ना, एक नंबर हेडिंग दिख रहा है, नेक्स्ट दूसरा पेज है 52 से, लेकिन हेडिंग दिख रहा है ना, तो प्रिंट टाइटल क्या ये समझा रहा है ना कि हेडिंग को बार बार रिपीट करना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट टाइटल, तो लगभग यहां तक तो हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा सीट ऑप्शन, ग्रिड लाइन और हेडिंग, देखिए दोनों में व्यू ऑन है लेकिन प्रिंट ऑन नहीं है, अंतर दिख रहा है ना, व्यू ऑन है ग्रिड लाइन तो ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, ऐसे ऑफ कर दीजिए, जब ग्रिड लाइन कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ यहाँ दिख रहा है क्योंकि हम बॉर्डर लगाए थे, तो होम टैब से आकर हम कर दिए नो बॉर्डर, कहीं बॉर्डर है, फाइल पे जा रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं तो कहीं बॉर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अगर जो हम यहाँ से सिर्फ व्यू वाले को ऑन कर दें तो यहाँ तो दिखाई देगा, लेकिन प्रिंट करने जा रहे तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर दिए यहाँ से प्रिंट वाले को भी ऑन कर दिए, फाइल प्रिंट, अब दिखने लगा, हो जा रहा है ना, तो फिर ये तो समझ में आ गया ग्रिड लाइन, यानी कि यहाँ व्यू करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा और ये ऑफ करेंगे दिखाई नहीं देगा, ये प्रिंट के लिए एक प्रिंट में दिखाई देगा या प्रिंट में दिखाई नहीं देगा, हेडिंग क्या है, ये वाला हेडिंग थोड़ी होगा, आप ए बी सी डी ई एफ देख रहे हैं अभी ना, क्योंकि व्यू हमारा क्या है ऑन, ऑफ कर दी, क्या आपको दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर का, ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऑन कर दिया अब दिख रहा है, अगर जो प्रिंट में जा रहा था ये डेटा दिखाई दे रहा है, कौन सा ए बी सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जस्ट हम यहाँ से इसको क्या कर लिए ऑन, किसको हेडिंग में प्रिंट, अब फाइल पे आके अब दिखाई दे रहा है ए बी सी, हो जाएगा ना,
सीरियल नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे पेज पे दिखाई देगा, जितना पेज आपके पास रहेगा हो जाएगा। तो अगर जो ऐसे बड़ा सा बड़ा भी डेटा प्रिंट करना तो आसानी से कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अभी कितना पेज है? 82 पेज। और अगर जो आपसे कहा जाए नहीं 82 पेज पूरा नहीं प्रिंट करना है, बस आपको 15 से लेकर के 20 तक बस डेटा प्रिंट करना, और कोई डेटा प्रिंट नहीं करना। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप आ जाइए कहाँ पे, प्रिंट पे। जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अभी पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आ जा रहा है ना, लेकिन जैसे भी प्रिंटर लगा रहेगा आपके कंप्यूटर में और जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अभी प्रिंट करने के लिए आ जा रहा है, तो सारा पेज आएगा। कितना पेज? 82। वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टू, और आगे दिखाई देगा फ्रॉम, क्या दिखाई देगा, जैसे यही दिखे दे रहा है पेज और यहाँ टू दिख रहा है ना, हम यहाँ ले लिए 15 और यहाँ पे लिए कितना 20, तो सब डेटा जाएगा। प्रिंट पे क्लिक किए, लोकेशन दे दी कहाँ पे, यही म्यूजिक के अंदर ही, नाम दे दिए न्यू, क्या कर लिए, आ गया किसमें, अभी लगभग हमारा सारा फाइल आया होगा, 82 पेज था ना, तो लगभग 82 आया होगा क्योंकि पीडीएफ हम सेव किए हैं। नहीं, पूरा नहीं आया, कितना पेज आया है, 6 पेज। कितने से स्टार्ट किए थे हम लोग, 15 से ना, तो देखिए 15 कितने नंबर पे आ रहा था, चेक कर लीजिए फाइल और पहला पेज है ना 15। कितने से स्टार्ट हो रहा है, तो पीडीएफ में कितना से स्टार्ट किया है पहला 700। कितना सीट आया मात्र 6, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 6 पेज ही आया है ना। नीचे आ जाइए, दिख रहा बस वही डेटा, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो ऐसे किसी बड़े से बड़े फाइल को प्रिंट करना एक्सेल से, तो इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट कर ले जाएंगे ना। और आगे जो ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड सिलेक्शन पेन, ये इस पे काम नहीं करेगा, जब आप कोई सेप या कोई इमेज लिए रहेंगे तब काम करेगा। अब देखिए कैसे काम करेगा, अभी ये वाला स्टार वाला सेप कहाँ पे है, पीछे भेजना है तो पेज लेआउट में आके सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, पीछे चला गया है ना, ऊपर लाना है तो बिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन शो करना है या फिर हाइड करानी आप लोग पढ़े ही हैं। अलाइनमेंट किस अलाइनमेंट पे सेट करना है, तो इसमें अलाइनमेंट काम नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि अभी इसमें निर्धारित थोड़ी है कि यहां से लेकर के यहां तक एक ही पेज हो जाएगा ना। और आगे ऑप्शन दे रहा है किसका, ग्रुप का और रोटेट का, तो ग्रुप बनाना आप लोग जानते ही हैं, कंट्रोल साथ क्लिक करें तो क्या बन जाएगा, ग्रुप क्लिक कर दीजिए, एक जहां लेके जाएंगे वहां दूसरा भी जाएगा, हो जाएगा ना। और रोटेट आप लोग पढ़े ही हैं, हो जाएगा ना, तो पेज लेआउट टाइप का सारा आप समझो, आप ट्राई करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, याद रखिएगा पेज लेआउट टाइप के माध्यम से आप किसी बड़े से बड़े डेटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। आज आप लोग लैब में जाइएगा और लैब में जाने के बाद से बड़ा सा बड़ा डेटा ऐसे बना लीजिएगा और प्रिंट करके देख लीजिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कहीं अगर जो आप काम करने गए और रिपोर्ट बना करके और जो किसी पेज पे प्रिंट करके देना हो तो कैसे प्रिंट करते हैं ये आप लोगों को क्लियर आनी चाहिए। आ रहा समझे ना, तो प्रिंट करना नहीं आता और चले गए, बोल दिया गया नहीं प्रिंट करके दे दीजिए, तो बैठे रहेंगे, हमको प्रिंट करना तो आता ही नहीं, प्रिंट करके देंगे तो गलत देंगे, 4-5 पेज क्या करेंगे, खराब करेंगे, तो कहेगा तुम वैसे ही हमारा नुकसान करो, तुम अगले दिन से आना मत। समझे ना, तो ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बार बार इसको ट्राई करके ट्राई चेक कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये पेज लेआउट टाइप का ऑप्शन ट्राई करके आइए लोग।